नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने न्यूज चैनल वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज में। देश विदेश से जुड़ी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज आप लोगों तक पहुंचाता रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ विनती करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सोशल मीडिया पर हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सबको जाके ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टम्बलर और सबसे खासकर इंस्टाग्राम पे जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सबसे पहले इंफॉर्मेशन वहां पर डाली जाती है, उसके बाद यूट्यूब पर डाली जाती है। तो आज बात करेंगे स्कॉटलैंड वर्क परमिट के बारे में। बड़े समय से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही कि सर यूके में जा रहे हैं, क्या स्कॉटलैंड में भी वर्क परमिट निकलते हैं? ऐसा कौन सा देश है और कहां कहां पे न्यूज आ रही, कहां कहां पे वर्क परमिट निकल रहे हैं? दोस्तों, ऐसा है ना, पिछले एक साल से जितनी भी कंपनीज ने हाथ जोड़कर एम्प्लॉयज को निकाल दिया था और पिछले एक साल से कोविड की वजह से जितना नुकसान लोगों को हुआ है, जॉब चलेगी मार्केट में, आज दोबारा वही कंपनीज हाथ जोड़ जोड़ कर अपने इंप्लॉयर्स को बुला रही हैं कि आप वापस आ जाइए। तो दिवाली की खुशी में भी कह सकते हैं, दिवाली की भी खुशी है, त्योहारों की वजह से अब जल्दी खुलने लगा है, तो अलग अलग देशों में वैकेंसीज निकलनी शुरू हो गई है। तो आज स्कॉटलैंड की बात करेंगे, कैसा देश है, क्यों जाए, कौन लोग जा सकते हैं, कैसे अप्लाई करें, कितना टाइम लगता है और कैसे 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 क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो पूरे इस मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। ये वीडियो दोस्तों दो पार्ट में बनेगी, ध्यान रखना, स्कॉटलैंड पार्ट वन और स्कॉटलैंड पार्ट टू। तो पार्ट वन इसलिए देखना कि आपको पता लग जाए कि वहां पर किस किस प्रोफाइल की डिमांड है और ये कंट्री है कैसी, और पार्ट टू इसलिए देखना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और डीपली बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रोफाइल वहां जा सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं स्कॉटलैंड है कहां पर। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जो यूके का ही एक छोटा सा हिस्सा है, यूके के साथ पड़ता है और ग्रेट ब्रिटेन के नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है, उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है ग्रेट ब्रिटेन के। स्कॉटलैंड 96 मील का बॉर्डर है इसका, यानी कि अगर बात करें किलोमीटर में 154 किलोमीटर का बॉर्डर इसका लगता है, खासकर साथ साथ नॉर्दर्न पार्ट में यूके के साथ। और दूसरा, इसे यूके का भी पार्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर संबंध बहुत अच्छे हैं यूके के साथ। स्कॉटलैंड की प्रोविंस यूके में ही पड़ती है, अलग देश जरूर है, अलग इसका संविधान जरूर है, पर ये यूके के साथ इसका प्रेम प्यार बहुत ज्यादा है। कोई यूके जाता तो बोलता स्कॉटलैंड ही जा रहा हूँ, स्कॉटलैंड जाता तो कहता यूके ही जा रहा हूँ। तो ये मैं सोचना कि अलग इसके साथ लड़ाई झगड़ा है या ऐसा कोई है तो हम सर यूके जाएंगे, कहीं स्कॉटलैंड गए तो ऐसा तो नहीं यूके नहीं जा सकते, ऐसा कोई भी अपने दिमाग में वहम मत पाला। तो अब इसमें बात करेंगे दोस्तों, ये जो देश है 790 से ज्यादा यहाँ पर टापू है, 790 आइलैंड्स को मिलाकर देश बना हुआ है। और यहाँ पे एथिक ग्रुप की बात करूं कि यहाँ पर कैसे तरह के लोग रहते हैं, 96% लोग यहाँ पर गोरे रहते हैं, व्हाइट स्किन वाले रहते हैं, 2.7% एशिया के लोग यहाँ पर सर्वाइव करते रहते हैं, 0.7% ब्लैक पीपल यहाँ पे रहते हैं और 0.4% मिक्स, हर एक देश का व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ यहाँ पर रहता है। रिलीजन की बात करते हैं, इस देश में धर्म क्या है? वैसे तो हर एक देश में धर्मों का सम्मान होना चाहिए, भारत सर्वधर्म संबंध देश माना जाता है, परंतु कुछ ऐसे खास देश है जहां पर वो अपने देश को, अपने धर्म को ज्यादा पॉपुलर रखते हैं। जैसे रिलीजन यहाँ पर क्रिश्चियनिटी है, ईसाई धर्म को ये लोग ज्यादा मानते हैं, 53% लोग यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले, ईसाई धर्म का पालन करने वाले हैं। इसके बाद बात करें तो 0.3% लोग यहाँ पे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और 2.4% लोग यहाँ पे बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इसके बाद अगर आगे आए तो विभिन्न धर्मों को फॉलो करने वाले 0.12% है, ठीक है। तो ये यहाँ का था रिलीजन की कैटेगरी की आप जान सके कि अगर आप जाते हैं रिलीजन में कौन से लोग ज्यादा हैं। इसके बाद आगे बात करें दोस्तों कुछ खास बातें यहाँ की, ग्लासगो सिटी इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी सिटी ग्लासगो कही जाती है और बहुत ही बढ़िया सिटी है, बहुत ही डेवलप्ड सिटी है, यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज हैं और यहाँ की सरकार बहुत ही बढ़िया लेवल पे काम कर रही है अपने लोगों के लिए। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री साइड यूके, यूके के साथ लगने वाली सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है ये, और इसका कम से कम अगर बात करें पहले एक ही होते थे परंतु बाद में यूके से इसने आजादी ली, ब्रिटिशर्स से इसने आजादी ली क्योंकि स्कॉटिश लोग यहाँ पर ज्यादा हैं जो अपनी लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर करते थे। तो ठीक है, संविधान इनका बना अलग से और 1922 में इसने आजादी प्राप्त करी, इंडिपेंडेंस ली यूके से। इसके बाद आते दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में मैंने इसलिए कहा कि अगर किसी देश में आप अप्लाई करते ना तो आपको पता होना चाहिए कि उस देश की एजुकेशन क्या है, उस देश की GDP क्या है, उस देश की हेल्थ केयर सेक्टर की क्या फैसिलिटीज है, क्राइम रेट क्या है और पॉपुलेशन क्या है। ये सब चीजें जब आपको पता होंगी, कल्चर पता होगा तो आप इजीली हो जाता आपके लिए वहां जाना। तो सुनिएगा ध्यान से, हेल्थ केयर सेक्टर इज मेनली प्रोवाइडेड बाय NHS स्कॉटलैंड, यहाँ पर NHS जो है
वो ज्यादातर स्कॉटलैंड का जो एनएचएस है वो देखता है हेल्थ केयर सेक्टर को, और इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि 1,58,000 स्टाफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में लगा पड़ा है, बहुत बड़े लेवल पर, जिसमें से 47,500 जो है वो नर्सेज है, 47,500 नर्सेज यहाँ पर है, और इसका कोटा आगे बढ़ा दिया। टोटल उन्होंने बताया कि 1,58,000 में से बहुत सारी प्रोफाइल्स यहाँ पर मेडिकल हेल्थ केयर की हैं। जैसे बात करें डेंटिस्ट की, तो डेंटिस्ट लोग भी यहाँ स्कॉटलैंड में जा सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात करूं मैं आगे, एज अ फार्मासिस्ट की, ठीक है, मेडिकल स्टाफ केयर की, नर्सिस की यहाँ बहुत बड़ी डिमांड है। नर्सिस को स्कॉटलैंड बहुत ज्यादा प्रेफर करता है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है नर्सिंग में, देन यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉटलैंड ऑल्सो। अब आते हैं यहाँ की इकोनॉमी पे। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी कंट्री को जज करने के लिए उसकी इकोनॉमी, उसकी जीडीपी देखना बहुत जरूरी है। तो खास इंडस्ट्री क्या क्या है यहाँ पर दोस्तों? ऑयल प्लेटफॉर्म यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर है, ऑयल एंड गैस की जॉब्स यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर निकलती हैं। और दूसरा इसमें रहती है दोस्तों एडिनबर्ग, वाजा थर्टीन लार्जेस्ट फाइनेंशियल सेंटर इन द वर्ल्ड, यानी कि 13वां लार्जेस्ट फाइनेंशियल सेंटर है यहाँ पर बना हुआ, फाइनेंस का सेंटर बना हुआ स्कॉटलैंड में। और स्कॉटिश इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय द हैवी इंडस्ट्रीज, शिपिंग इंडस्ट्रीज, ग्लास ब्लो कोल, और अगर मैं बात करूँ स्टील इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर है, यानी कि यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पर है। इससे आप समझ सकते हैं कि जहां इंडस्ट्री होगी वहां पर जॉब होगी ही होगी। एडिनबर्ग इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ऑफ स्कॉटलैंड, विस्की का एक्सपोर्ट करता है, विस्की बनाते हैं यहाँ का जो देश है, विस्की में एक्सपोर्ट करता है, वाइन एक्सपोर्ट करता है बहुत बड़े लेवल पर, फूड एंड ड्रिंक्स का एक्सपोर्ट करता है, मछली का एक्सपोर्ट करता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डायरेक्टली डायरेक्टली बात करूँ तो 5 लाख जॉब तो सीधे सीधे तौर पर देखी जाए तो ये वाइन एंड उसमें है, वाइन डिपार्टमेंट्स में निकल जाती है अलग अलग, चाहे मैं सेल परचेस की बात करूं, चाहे मैं पैकेजिंग की बात करूं, चाहे मैं बात करूं इंडस्ट्री में आगे प्रोडक्शन पे बात करें, डिजाइनिंग में बात करें, आईटी प्रोग्रामर्स की बात करें, तो यहाँ पर भर भर के जॉब्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे आते हैं दोस्तों, इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें कि यार यहाँ पर जॉब तो है, बहुत सारे लोगों ने कहा जॉब तो है, क्या और कौन कौन सी प्रोफाइल यहाँ पर डिमांडेड है? तो क्लियर बता दूं, यहाँ पर बायोटेक का बहुत बड़ा स्कोप है, यहाँ पर केमिकल इंजीनियर का बहुत बड़ा स्कोप है, परंतु अप्लाई करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो के साथ अभी मैं इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप अप्लाई करें और कौन कौन सी प्रोफाइल की जॉब यहाँ पर भर भर के है। ठीक है, अभी तो हमने कंटे के बारे में बात करी, अब बात करेंगे कि भर भर के जॉब इसमें है, कहाँ जॉब है, किस प्रोफाइल में जॉब है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, क्या आपके चांसेस रहेंगे अप्लाई करने के। तो अभी के लिए जान चाहूंगा, इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा दोस्तों।